इंस्टेंट प्लान बना है मेरा, कहाँ का बना है वो आप देखना अभी, लग तो थंबनेल से तो पता लग ही जाएगा आपको। तो चलते हैं, थोड़ा टाइम कम है। स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों, आपका खुराना साहब में। और आज मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ कि मैं जहाँ आज जा रहा हूँ और आपको लेके जा रहा हूँ अपने साथ, मेरे साथ साथ आप भी दर्शन करना इस जगह के, बहुत ही महान जगह मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ आज सरहंद। रात को 2-3 बजे हम लोग पहुँचे थे और माता गुजरी जी निवास में हमने एक रूम लिया था और बहुत ही अच्छा रूम था। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह सारिया नू। आज मैं आया फतेहगढ़ साहिब सरहंद। तो मैं आज आप सबको ये बताता हूँ कि सरहंद पंजाब में एक शहर का नाम है जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे मासूम साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की शहादत हुई थी। उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। सिर्फ 6 साल और 9 साल की उम्र में उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री हमारी बताना चाहता हूँ। तो हिस्ट्री के साथ साथ आपको पहले दर्शन भी करवाते हैं गुरुद्वारे के, और साथ के साथ आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं। अब मैं आपको उस जगह के दर्शन करवाता हूँ जहाँ बहुत ही बड़ी शहादत हुई थी छोटे साहिबजादों की। और उस जगह पे दरबार साहब आपको दिखेगा, आप मत्था टेक सकते हो वहाँ पे। ये बात है दिसंबर 1705 की, जब छोटे साहिबजादों का बहुत ही बड़ा शहादत हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ठंडा बुर्ज है जहाँ पे 3 दिन तक उस बुर्ज में बहुत ही कड़क ठंड में उन्हें रखा गया था और लगातार उनकी 2 दिन तक पेशी हुई थी। तीसरे दिन काजी ने फतवा जारी कर दिया था कि दोनों गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत होगी, उन्हें नीहों में जिंदा चुनवाया जाएगा उस कड़क ठंड में। जब वहाँ अब तो बहुत डेवलप हो गई है जगह, पहले तो बहुत ही खुला हुआ करता था एरिया और बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती थी, और उस टाइम पे उन्हें एक हाइट पे बुर्ज में रखा गया था। तो आइए मेरे साथ आप भी दर्शन करिए उस गुरुद्वारे, उस पवित्र स्थान में जहाँ पे छोटे साहिबजादों को बहुत ही कड़क ठंड में रखा गया था, जिसे आज ठंडा बुर्ज के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हो कितनी हाइट पे है, और आसपास उस टाइम पे कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। उस वजह से ठंड जो होती थी वो 10 गुना ज़्यादा होती थी, और छोटे साहिबजादों की उम्र बहुत ही कम थी। और माता गुजरी जी, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उन दो मासूम छोटे साहिबजादों की दादी जी थी, जो दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी की माता जी सी, उस टाइम पापी गंगू की वजह से उन्हें इस हाल में जाना पड़ा। लेकिन उन मासूम बच्चों के और दादी जी के जो हौसले थे वो इतने बुलंद थे कि उन्हें कोई भी उनके मकसद से उन्हें कोई भी नहीं हिला सका। और जैसे कि हर गुरुद्वारे में लंगर की प्रथा चलती है, वैसे यहाँ पर भी माता गुजरी लंगर हॉल अब हम आपको लेके चलेंगे, वहाँ पे लंगर चखेंगे। और इसके बाद हमने प्लान करा है कि हम लोग कोच करेंगे अमृतसर दरबार साहिब की ओर। हो सकता है मुझसे काफ़ी गलतियाँ हो गई हों, बट मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं थोड़ा इतिहास आपको दिखा सकूँ और दर्शन करवा सकूँ।